मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही है, लेकिन सख्ती के नाम पर लोगों को मारना कूटना भी शर्मसार है। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको ले चलते हैं धार जिले के बदनावर में, जहां पर यह इस प्रकार सख्ती बढ़ती जा रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस वीडियो की हकीकत की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही है, परंतु सख्ती के नाम पर आम जनता को इस प्रकार मारना कूटना भी शर्मसार है। दरअसल धार जिले के बदनावर तहसील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम स्वयं की जनता को लट से किस तरह से पीट रहे हैं, यह आसानी से देखा जा सकता है। फिर से कोरोना दोहरी मार आम जनता पर काफी भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में धार जिले के एसडीएम ने मानवता को शर्मसार किया है। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुकान में घुसकर उनको जानवर जैसा सलूक करना, यह कौन सी इंसानियत है। एसडीएम वीरेंद्र कटारिया ने मानवता को शर्मसार किया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा ही लगता है कि इन्हें अपनी पर्सनल कोई खुन्नस निकाल रहे हो। यहां पर आम जनता के ऊपर इस प्रकार की खुन्नस निकालना कहां तक सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर काफी सतर्कता दिखाई है, वही इस प्रकार की सतर्कता है कि आपके अधिकारी आम जनता के साथ जानवरों जैसा सुलूक करें। ऐसे अधिकारी के ऊपर जिला प्रशासन और राज्य शासन कार्यवाही करना उचित होगी। कोरोना को लेकर आप इस प्रकार से आम जनता के साथ बदसुलूकी नहीं कर सकते हैं। वही कोरोना राज्य सरकार व जिला प्रशासन के अनुसार गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य है, न कि आम जनता को जानवरों जैसा सुलूक करना। इस वीडियो को देखकर जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही भी करनी चाहिए।